आपने पैसे कमाने के बेहतरीन मॉडल और एक से बढ़कर एक कारोबारी विशेषज्ञ देखे होंगे। आइए आपको ऐसे अनोखे बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं, जिसमें बिना कुछ खर्च किए या फिर बेहद कम खर्च में पैसों की धड़ाधड़ छपाई की जाती है। जी हाँ, देश के सामने अंधाधुंध पैसे कमाने का ऐसा अनोखा महाघोटाला मॉडल पेश किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के इस मॉडल से निकले इन एक के बाद एक घोटालों से तो आप बखूबी परिचित हैं। कांग्रेस के इस महाघोटाला मॉडल के विशेषज्ञ हैं मात्र 1 लाख रुपए को कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति में बदलने वाले रॉबर्ट वाड्रा और 50 लाख रुपए खर्च कर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हथियाने का कमाल कर दिखाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी। सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा की उंगलियों के कमाल और पैसों की अंधाधुंध लूट के सामने तो शेयर घोटालेबाज हर्षद मेहता और बदनाम ठग चार शोबराज तक शर्मा जाएं। 10 जनपद के इस महाघोटाला मॉडल का सबसे चर्चित कारनामा है कभी कांग्रेस का मुखपत्र रहे अखबार नेशनल हेराल्ड 2000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति की खुलेआम लूट। नेशनल हेराल्ड महालूट का खुलासा तब हुआ जब जनवरी 2013 में दिल्ली की एक अदालत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी करीबियों के खिलाफ इस संबंध में केस दायर किया गया। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 2008 आते आते नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड 90 करोड़ रुपए की कर्जदार हो गई। आर्थिक समस्याओं के कारण 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साजिश रची और 3 अन्य कारोबारियों के साथ मिलकर यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई। मात्र 5 लाख रुपए के पेड कैपिटल के साथ शुरू की गई कंपनी यंग इंडिया के 76% शेयर धारक खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही हैं। सोनिया और राहुल के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने AGL को 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देकर उसकी देनदारियां खत्म कर दी। देखते ही देखते यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी AGL का अधिग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी AGL की देश भर में मौजूद संपत्ति भी हथिया ली। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति की लूट का महाघोटाला अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है। कांग्रेस करीब 15 महीने तक तमाम दाव पेज अजमाकर अदालती कार्रवाई को टालने की कोशिश करती रही है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने हाल ही के निर्णय में यंग इंडिया की तमाम दलीलें खारिज कर दी हैं। हाई कोर्ट ने AGL को ब्याज मुक्त 90.25 करोड़ रुपए दिए जाने पर सवाल उठाते हुए अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि इस पूरे मामले में जो तौर तरीके अपनाए गए वो आपराधिक नीयत की ओर इशारा करते हैं। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड की जो एसोसिएट जर्नल कंपनी है उसके पास पूरे हिंदुस्तान में एसेट्स है 5000 करोड़ रुपए के, चाहे वो दिल्ली के बहादुर शाह जफर रोड में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो भोपाल में हो, इन सभी जगहों को जो प्राइम लोकेशंस पे हैं, इन सभी का मालिकाना हक यंग इंडियन के पास चला जाता है मात्र 50 लाख रुपए में, मात्र 50 लाख रुपए में। और ये कंपनी 5 लाख रुपए की बन जाती है, माता और सुपुत्र मिलकर ये कंपनी बना लेते हैं और ये इतना बड़ा हड़प कर लेते हैं। और विचित्र परिस्थिति देखिए, मोतीलाल वोहरा जी जिनको प्रेम से चौकीदार प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का कहा गया, क्योंकि बाकी सब नहीं रहे हैं वहां, केवल मोतीलाल वोहरा जी ही संभालते थे नेशनल हेराल्ड को, वो वहां के भी मालिक हैं, प्रेसिडेंट हैं। AICC के ट्रेजरार वही हैं, यंग इंडियन के डायरेक्टर वही हैं। राहुल जी और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा जी को क्या कहा? उन्होंने कहा, मोतीलाल जी जरा आप जाइए तो, जब वो यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं तो राहुल जी और सोनिया जी ने कहा, मोतीलाल वोहरा जी जरा जाइए और
एसोसिएट जर्नल जो नेशनल हेराल्ड का है उसके मोतीलाल वोहरा जी से पूछिए कि हम आपको खरीदना चाहते हैं। तो मोतीलाल वोहरा जी गए और नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी से पूछा, हम आपको खरीदना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा लायबिलिटी है तो हम आपको लोन देंगे। तो नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी ने यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी को कहा, आप जरा जाइए और एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से पूछिए कि 90 करोड़ देंगे वो। तो मोतीलाल वोहरा जी यंग इंडिया के नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी से मिलने के बाद एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से मिलकर पूछते हैं, आप उस मोतीलाल वोहरा जी को 90 करोड़ देंगे? तो दोनों सोनिया जी और राहुल जी कहते हैं हां दे देंगे। फिर मोतीलाल वोहरा जी 90 करोड़ लेके मोतीलाल वोहरा जी को दे देते हैं और फिर यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी कहते हैं अब हम इसे राइट ऑफ करते हैं, इसे आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कहने पर उस लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है 90 करोड़ के और एवज में यंग इंडिया मालिक बन जाती है 5000 करोड़ प्रॉपर्टी की। पूरा का पूरा काले धन का गोरख धंधा चल रहा है।